हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एक नई रेसिपी के बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये मेथी की पूरी। मैं मेथी की पूरी बनाने जा रही हूँ, वो भी नए स्टाइल में। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने आटा लिया है और उसमें कलौंजी और अजवाइन और नमक डाल दिया है और मेथी के पत्तों को बारीक बारीक काट के मैंने आटा में गूंद लिया है। गूंदने के बाद मैंने एक पेस्ट तैयार किया है, ये इस टाइप का। ये है चना सत्तू। ये चना सत्तू के बारे में आपको नहीं पता हो तो आप एक काम करना है, जो भूंगड़े आते हैं मोटे वाले चने, उसको आप मिक्सी में पीस के सत्तू बना सकते हैं। और इसमें भी मैंने डाला है कलौंजी, अजवाइन, नींबू, नमक और हल्का सा अचार का मसाला और मिर्ची और काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर। तो ये बन गया है पेस्ट। अब मैंने क्या किया है, मैं इस लोई लूँगी, ऐसे ऐसे लोई लेके, और जैसे आलू का पराठा बनाते हैं ना, लोई के अंदर मैं इस पेस्ट को भर देती हूँ और ऐसा गोल करती हूँ। ये मैंने लोई के अंदर इस पेस्ट को भर दिया है, ऐसे मैं गोल कर दी इसको, जैसे कचौरी में भरते हैं ना दाल वैसे। ये मैंने इसे पूरी के आकार में बेल लिया है और ये मैं ऑयल गरम कर रही हूँ। इसमें देखो आप सत्तू ऐसे फील कर सकते हो, इसके अंदर से फील करके मैंने गोल लोई बनाई है इस टाइप की और फिर मैं पूरी जैसे बेल ली। ये जैसे पूरी बनाते हैं वैसा मैंने पूरी इसको बना लिया है। ये देखो आप, ये बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना।